रांची विश्वकर्मा समाज के द्वारा सुखदेव नगर में निर्माणाधीन भगवान विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में इस्कॉन के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर भक्त खूब झूमते नजर आए। इसके बाद मंदिर प्रांगण में भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेएमएम नेत्री महुआ मांझी भी उपस्थित रही। उन्होंने बताया कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा में कमी देखने को मिलती है। अब यहाँ हर महीने की 17 तारीख को भगवान की पूजा तथा भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जो कि एक अच्छी पहल है। और कुछ दिन पहले विश्वकर्मा पूजा के दिन यहाँ काफी बड़ा आयोजन था, उसके अगले दिन भी जागरण था, काफी भव्य तरीके से हुआ। रांची में विश्वकर्मा भगवान की पूजा एक भव्य तरीके से कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर फैक्ट्री वगैरह में जो पूजा होती है वो 17 सितंबर को हर साल होता है। और अभी आयोजन समिति की तरफ से कहा गया है हर 17 तारीख को भंडारा का आयोजन किया जाएगा, हर मतलब महीने के प्रत्येक महीने के 17। हाँ, तो ये बड़ी बात है क्योंकि मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, तो इस बहाने अच्छा है कि लोग आएंगे और यहाँ पर कीर्तन होगा, भंडारा होगा। इस अवसर पर इस्कॉन कीर्तन मंडली के प्रमुख गदाधर दास जी ने कहा कि कार्तिक मास में यह पावन कार्य किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। आयोजन जो है इस पवित्र स्थल पे, जहाँ पहले कचरा कूड़ा पड़ा रहता था, आज सभी भक्तों ने आके यहाँ के जो रहवासी हैं इन्होंने मिलके यहाँ पे एक मंदिर बनाया है विश्वकर्मा जी का। और इसका आज समझिए कि एक प्रकार से कार्यक्रम किया है कार्तिक मास के रूप में। इनका स्थापना जो है वो आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, और इसके लिए पूर्व एक कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम को कार्तिक मास में रखा गया, ताकि सभी भक्त लोग आए, जुड़े, भगवान का दर्शन लें। और इनका आयोजन ये भी है कि हर महीने 17 तारीख को, क्योंकि आज 17 तारीख है, हर 17 तारीख को जो है ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो जहाँ भगवान के कथा के बारे में सबको सुनने का मौका मिले। साथ ही साथ विश्वकर्मा समाज के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि जहां कभी लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, आज वहां भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनवाकर समाज के द्वारा एक पवित्र और पावन कार्य किया गया है। समाज के द्वारा हम लोगों ने विचार किया कि महीने के हर 17 तारीख को यहां पे भंडारा चलेगा, भजन कीर्तन होगा, और पूरे समाज के लोग चूंकि जागरूक हो गए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हर 17 तारीख को यहाँ पर भंडारा हो, लोग भंडारे का भी आनंद लें। कि हमारा जगत गुरु विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर एक समय ऐसा था जब लोग अगर खड़ा नाक बंद करके होते थे, आज ये देखिए विश्वकर्मा भगवान का कृपा है क्या ये जगह जो है बहुत ही सुंदर सा सजावट किया हुआ है। हम आशा करते हैं कि हर 17 तारीख को इसी तरह का भंडारा होते रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार, जिला अध्यक्ष, रांची।